इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा। राइट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि देखें यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है लेकिन सिर्फ माइनस साइन नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। यहाँ पे मैं करती हूँ सपोज एफ ऑफ थीटा ये हमारे पास क्या है, अभी मैं स्क्वायर को कंसीडर आप बिल्कुल ना करें, सिर्फ कॉस थीटा को। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो देखें ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है सिर्फ माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हम माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, राइट, इसलिए इसको हमने माइनस से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या है, अब हम ये माइनस तो यहाँ है ऑलरेडी और इसको कैसे हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी कि इसकी जो भी एक पावर है ये स्क्वायर है इसमें हम वन ऐड कर देंगे। राइट, वन ऐड किया हमने और उसी से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ हम इसकी लिमिट लगा देंगे पाई बाय थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय थ्री और लिमिट है इसकी जीरो टू पाई बाय थ्री। राइट, यहाँ पे मैं इसका रिमेनिंग पार्ट कर देती हूँ। देखें ये वन ओवर थ्री हम इसमें से बाहर ले लेंगे, माइनस वन ओवर थ्री कॉन्स्टेंट है और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो गया कॉस क्यूब थीटा और इसकी हम ऐसे लिमिट फिलहाल लगा लेते हैं जीरो टू पाई बाय थ्री। अब हम इसकी लिमिट लगा देंगे जहां थीटा होगा माइनस वन ओवर थ्री कॉस पाई बाय थ्री अपर लिमिट, राइट, इसका क्यूब माइनस कॉस ये जीरो है और इसका भी आप क्यूब कर लें तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर थ्री और ये पाई बाय थ्री है, ये किसके इक्वल होता है वन ओवर टू के क्यूब हो गया और ये आपके पास हो गया कॉस ऑफ जीरो वन, ये इसका क्यूब हो गया। ये हमारे पास हो गया नेगेटिव वन ओवर थ्री वन ओवर एट माइनस वन, इसका हम एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे पैरेंथेसिस को तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव सेवन ओवर एट और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें सेवन ओवर ट्वेंटी फोर और यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत छोटा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।